क्वेश्चन पूछूंगा, यूएसए में रहती हैं आप, यूएसए से आई हैं, तो यूएसए के अंदर कौन सी कौम की ज़्यादा रिस्पेक्ट देखी है आपने, पाकिस्तानीज की या फिर इंडियंस की? इंडियंस की. वाई इंडियंस? सैडली अनफॉर्चुनेटली कि ऑलरेडी अगर हम एक्सेप्ट करें या ना करें, ऑलरेडी बहुत सारी खाने पीने की अज्जा, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि दालें हैं, प्याज है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वो ऑलरेडी चमन बॉर्डर के थ्रू, कुछ बॉर्डर्स के थ्रू इंडिया से पाकिस्तान में आ रही हैं. क्योंकि हिंदू कभी मुसलमान का जंग कर ले हिंदुओं के साथ? नहीं, जंग तो अब मैं इतना खुल के तो नहीं कह सकती. खुल के आपको बताना पड़ेगा, नो इशू, आप बता सकती हैं, कोई मसला नहीं. नहीं, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ओपन बात हो जाएगी. आप बेफिक्र होके बताएं, चलाना मैंने या मैं, मुझे इशू होगा, आपको कोई इशू नहीं होगा. IMF से लोन लेने वाले चौथे बड़े मुल्क पाकिस्तान बन गया. दूसरी तरफ आप देखेंगे इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है. क्या मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का? इंडिया का मुकाबला करने के लिए आपको मैसिव प्लानिंग करनी पड़ेगी. हम क्यों नहीं गई? कोई कहेगा तो जाएगी ना कि आवाम अपने, अगर आवाम जाती भी है तो हमारे पास 22 करोड़ आवाम है, उनके पास 35 करोड़ तो खाली मुसलमान है इंडिया के पास. वो हमारे साथ ही है. हमारे साथ है? वो हमारे साथ. वो तो कहते हैं कि हमारे लिए मजहब हर चीज़ से पहले, मुल्क पहले है. इंडिया के मुसलमान कहते हैं के ना खाने पड़ेंगे आपको, आटा सस्ता चीनी सस्ती मिलेगी, आप जंग करेंगे? नहीं, असल में जो इस टाइम हालात चल रहे हैं ना, वो तो आप सोचे ही ना कि हम जंग कर सकते हैं. इनके अंदर शहबाज शरीफ साहब और नरेंद्र मोदी के दरमियान डिस्कशन चल रही थी, वर्चुअली हुई. नरेंद्र मोदी का कहना था कि जो टेररिज्म जो होती है वो पड़ोसियों की तरफ से होती है, ठीक है. तो शहबाज शरीफ का यहाँ पर मौके भी था कि हमारे खुद के हालात बहुत ख़राब हैं, हम इधर अपनी तरक्की की जंग लड़ रहे हैं, तो हमने कहाँ से दहशतगर्दी करवानी है. तो इसके बारे में बताइएगा कि क्या उनका ये पॉइंट, ये आपको लगता है कि उन्होंने सही बात की, या आपको लगता है कि वाकई में हम यहाँ पर हालात बड़े ख़राब हैं, मुल्क के रोटी की जंग चल रही है, क्या चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम. मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है, इसमें नो डाउट मतलब हम लोग पॉवर्टी के जो है ना, गुर्बत के निचले दर्जे पर पहुँच चुके हैं. और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपने नैरेटिव नरेंद्र मोदी का और शहबाज शरीफ का आपने बताया, उसमें उन्होंने जो पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की कि पाकिस्तान वाकई इंटरनली बहुत ज़्यादा जो है ना हालात से झगड़ा हुआ है, बहुत मुश्किल से जो है ना दरपेश है. तो बाकी ये है कि पाकिस्तान को चाहिए कि यूनानिमस डिसीजन ले मुल्क की तरक्की के लिए, और जिससे मुल्क की जो मईशत है वो बेहतर हो, क्योंकि इस मुल्क की तरक्की और इसकी बका के साथ ही हम सब हैं. तो और बाकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ बनाना, ऐसी फॉरेन पॉलिसीज़ बनाना जिससे हर कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री के साथ एक अच्छा इमेज जाना चाहिए, राधर देने के बैड इमेज जाए. और यहाँ ये एक्सेप्ट करना कि यस, हम लोग किसी हद तक ऐसा कर रहे हैं, जी हम लोग इन्वॉल्व हैं, वी आर नॉट इन्वॉल्व, वी आर वेरी पीसफुल, हम पाकिस्तानी हैं, हम शुरू से जो है एक ही पैगाम देते रहे कि हम पुरअमन लोग हैं और पुरअमन रहना चाहते हैं. क्या समझते हैं आपके, दूसरी तरफ हम देखें तो हम यहाँ से बात करते हैं कि इंडिया के बराबरी करने की. अभी $3 बिलियन हमने IMF से लिए हैं. अगर दूसरी तरफ देखें, IMF से लोन लेने वाले चौथे बड़े मुल्क पाकिस्तान बन गया. दूसरी तरफ आप देखेंगे इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है. क्या मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का? इंडिया का मुकाबला करने के लिए आपको मैसिव प्लानिंग करनी पड़ेगी. अगर आप इंडिया की बात करें तो नंबर वन ये बात है कि उन्होंने अपने IT और नेटवर्किंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, और वहाँ से उनको काफ़ी पावर मिली है. उन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगाई, मिनी इंडस्ट्रीज़ लगवाई, अभी बड़े बड़े जैसे ब्रांड्स हैं, एप्पल एक ब्रांड है, उन्होंने वहाँ पर जाके अपने जो है ना स्टोर ओपन कर लिए हैं और इन्वेस्टमेंट की है. तो हम लोग इवन बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में बन रहे हैं, नेटवर्किंग की बहुत सारी चीज़ें हैं, राउटिंग स्विचिंग वो वहाँ पर हो रही है. तो इंडिया का मुकाबला करने के लिए आपको प्लानिंग तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल के हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए मिनी इंडस्ट्रीज़ को और बड़ी इंडस्ट्रीज़ को, ताकि वो फ्लोरिश करें, और वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं मुल्क एक बाजू की तरह है. अगर आप बाजू काटते जाएंगे तो आप कैसे अपनी मईशत को मुस्तहकम करें? तो आप एक साइड पे आप सारी इंडस्ट्रीज़ को तबाह कर रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं, उन पर इतने टैक्सेस लगा रहे हैं कि वो जो प्रोडक्ट बनाती हैं उसकी जो कॉस्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट या उसकी वैल्यू से काफ़ी हद तक नीचे होती है. तो इस वजह से मार्केट जो है ना कंपेटिटिव प्राइस ना होने की वजह से हमारी चीज़ें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बुरा हाल हो चुका है. बहुत सारी चीज़ें जो पहले हम कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो भी तकरीबन बंद हो चुकी हैं. मेरा पेरेंट सिटी फैसलाबाद है, तो वहाँ पे जो कपड़े का बिज़नेस था लोगों का, वो तकरीबन ठप हो चुका है. बहुत सारी अभी लाहौर में भी ऐसे जितनी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी वो क्लोज़ हो रही हैं. तो अभी भी चाहिए कि हमारे जो वज़रा हैं और जो हमारी गवर्नमेंट है उसको होश के नाखून लेने चाहिए, उसे सोचना चाहिए कि
क्या ऐसे हम फर्दर स्टेप्स लें जिससे मुल्क की बका, जिससे मुल्क की तरक्की हो, रादर देन कि हम आपस में एक जंग लगाई रखें और मुल्क के बारे में सोचें ना। तो मुझे बस यही कहना है कि आज मुझे एक और कायद का और एक और इकबाल का इंतज़ार है जो कि वही सोच रखता हो जो कि इस मुल्क की और इस मुल्क की अवाम के बारे में हो और ना कि अपने मफाद के बारे में हो। और ऐसा एक ट्रू लीडर चाहिए जो कि हमेशा इस मुल्क के मफाद के लिए हो, अपनी सेल्फ के लिए वो ना हो कि जी बस मैं अपनी तरक्की। बहुत प्यारी बात की। मैं आपसे बात ये करना चाहूँगा, ट्रेड के बारे में क्या ख्याल आते हैं? अगर हमारी ट्रेड हो जाती है इंडिया के साथ, बाहमी लेन देन कर लेते हैं हम, तो इसमें हमारा बेनिफिट है या फिर उनका बेनिफिट है? ट्रेड की बात करें ना तो हर कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड के एग्रीमेंट्स होते हैं, उसके बगैर आप ट्रेड कर नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि ऑलरेडी अगर हम एक्सेप्ट करें या ना करें, ऑलरेडी बहुत सारी खाने पीने की अज्जा, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि दालें हैं, प्याज है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वो ऑलरेडी चमन बॉर्डर के थ्रू, कुछ बॉर्डर्स के थ्रू इंडिया से पाकिस्तान में आ रही हैं, जो कि हम एक्सेप्ट करें या ना करें। से पाकिस्तान में नहीं, पहले दुबई जा रही हैं, दुबई में जाकर डबल टैक्स लगता है, फिर पाकिस्तान आता है। जी जी जी, ये देखिए, ट्रेड डायरेक्ट हो तो वो सारी टैक्सेस खत्म हो जाएँ और यहाँ पर आवाम को चीज़ें सस्ती मिले। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जितना को मेरा एक्सपीरियंस है इसके मुताबिक, आटा पाकिस्तान के अंदर 180 रुपये के जी है, इंडिया के अंदर 25 रुपये किलो है। अगर बॉर्डर खोल देते हैं तो पाकिस्तान की आवाम यहाँ पर देखे ना 80 रुपये, वहाँ पर ज़्यादा महंगा होगा तो 50 रुपये का के जी आटा मिल जाएगा यार। देखिए कितना बेनिफिट है। असल में ये आपने पॉइंट बड़ा अच्छा हाईलाइट किया है, अगर हमारी गवर्नमेंट करना चाहे तो ये पॉसिबल है। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो बेसिकली IMF मॉनिटर कर रहा है, IMF कंट्रोल कर रहा है, तो इस वजह से भी जो गवर्नमेंट है हमारी कोई ऐसे स्टेप्स लेने से डरती है जिससे IMF की मज़ीद कोई सख्तियां ना आ जाए, कोई पाबंदियां ना आ जाए। तो बाकी जो है, मैं तो फिर यही दोबारा कहूँगा कि मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क के मफाद के लिए सबसे पहले सोचना चाहिए। गाइस, मैंने वीडियो वाइंड अप कर दी थी, भाई मुझे कोई चीज़ दिखाना चाह रहे थे, भाई ऐसी कौन सी चीज़ है, क्या दिखाना चाह रहे थे? मैं असल में एक चीज़ दिखाना चाह रहा था कि हम एप्पल की बात कर रहे हैं कि एक ब्रांड जो है वो अपने जो नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करके डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने कदम जमा रहा है, तो इंडिया में उसने रिसेंटली स्टोर लॉन्च किया है और इवन असेंबलिंग भी वहाँ पर स्टार्ट हो गई है। तो मेरे पास फिज़िकली एक प्रोडक्ट है। पहले कंट्री की बात कर रहे थे, वो कंट्री हमसे बहुत ज़्यादा, कौन से कंट्री? कंट्री और आप बात करें तो इंडिया को जब हम पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं, सिर्फ IT एक सिर्फ एक सेक्टर की मैं बात करूं, बाकी इंडस्ट्रीज़ तो बहुत दूर की बात है ना। IT में वो इतना आगे निकल गए, उन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पे लगा ली, बहुत सारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं उनको उन्होंने इंडिया में हायर कर लिया कि वहाँ पर जाके अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक करें। क्या दिखा रहे थे? तो मेरा अपना एक एप्पल का स्टोर है, एप्पल की प्रोडक्ट में जी सेल करता हूँ। ये देखें, अब ये एक एप्पल का चार्जर है, M1 का चार्जर, इसका जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो इंडिया है, इस पर लिखा हुआ है कि ये असेंबल्ड इन इंडिया। असेंबल इन इंडिया है यार, ये आप इसको क्लोज अप करके, ये गाइस थोड़ा सा क्लोज करो, इसे क्लोज करके दिखा देना, इसे नजर आ रहा, जूम करें इसके ऊपर, क्लिक करो, ठीक हो गया। गाइस आपको देख लिया होगा, ये मैन्युफैक्चर इन इंडिया, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात कर दी यार आपने और ये प्रूफ दे दिया आपने। क्या कहना चाहेंगे, ये चीज़ें पाकिस्तान में कब आएंगी? पाकिस्तान में जब तक ऐसे ही सिचुएशन, ऐसे हालात नहीं बनते जो कि एक सिक्योर कंट्री के होते हैं, तब तक कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए सेव नहीं। इतनी बड़ी बात है यार, ये तो लोकल इन्वेस्टमेंट, लोकल इन्वेस्टर हैं वो सेव नहीं है, जो प्लाजे और बिल्डिंग्स बना रहे हैं वो सेव नहीं है। तो आप एक बड़े मैन्युफैक्चरर को, Dell, HP या Apple को बोलो कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? वो पॉसिबल ही नहीं है। आप पहले ऐसा एटमोसफियर क्रिएट करो, ऐसा जो है ना वो कंट्री के अंदर इन्वायरमेंट दो ताकि वो जो कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान में इंटरेस्ट शो करें। देखो कितनी बड़ी प्राइड की बात है इंडियंस के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए, कि भाई उनकी बनाई हुई प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर चल रही है और हम बेच रहे हैं और बता रहे हैं। अगर यही पाकिस्तान के कोई चीज़ बाहर, पाकिस्तान के मैन्युफैक्चर की चीज़ इंडिया में होती तो यहाँ पर तो हम तो रोटी ना खा रहे होते खुशी के मारे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। वो देखो यार किधर पहुँच गए इंडिया। गाइस वाकई में इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया। गए भाई ने मुझसे दोबारा वीडियो चालू करवा के ये चीज़ दिखाई है कि इंडिया हमसे कितना आ गया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच चन्ना से टॉक। सर बात करने का पर्पस ये कि अभी एक मीटिंग हो रही है, सिक्योरिटी मीटिंग जिसे कह लें, पूरी दुनिया के वजीर आजम उस मीटिंग के अंदर विजुअली है, स्क्रीन टू स्क्रीन बात कर रहे हैं। तो उस मीटिंग के अंदर शहबाज शरीफ और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से नरेंद्र मोदी साहब भी आमने सामने हुए बातचीत कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान को इशारा करते हुए कहा, नाम नहीं लिया, पड़ोसी मुल्क की तरफ से टेररिज्म होती है, दहशतगर्दी
पड़ोसियों की तरफ से होती है, इशारा किया। तो शहबाज शरीफ को इसके बरक्स जवाब क्या देना चाहिए था और शहबाज शरीफ का जवाब क्या था मैं बताना चाहूँगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि भाई हम बहुत बुरी सिचुएशन में इस टाइम है, हमारे हालात ये नहीं है कि हम दूसरे मुल्कों के जा पर टेररिज्म करें, दहशतगर्दी करें, हम अपने हालात से जूझ रहे हैं। क्या इस तरह का जवाब देते हैं या इस तरह का जवाब देना चाहिए था, क्या समझते हैं? अपने मुल्क के लिए बेहतर ही तहफ़ करना चाहेंगे, तो लिहाजा शहबाज शरीफ साहब को तो यही चाहिए था कि अपने मुल्क की बेहतरी के लिए बात करते। क्या समझते हैं आपके मौजूदा हालात ठीक है, मुल्क के सही चल रहा है, गुजारा हो रहा है? किसी जो गरीब तबका है वो तो बेचारा पीसता जा रहा है, उनके लिए कोई बेहतरी का निज़ाम होना चाहिए। क्या रिलेशन बेटर हो जाने चाहिए पड़ोसियों के साथ? रिलेशन देखिए डिपेंड करता है बिजनेस और क्या बेहतर है हमारे पाकिस्तान के लिए, उसके लिहाज से आपको क्या लगता है बेहतर है या नहीं इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना? बेहतर कभी हो ही नहीं सकते। नहीं, आप क्या लगता है बेहतर अगर हो जाते हैं रिलेशन बेहतर तो अच्छा नहीं है? मैं मानता ही नहीं इस चीज़ को कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो। आप क्या कहते हैं इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब होने चाहिए? क्योंकि हिंदू कभी मुसलमान का जंग कर ले हिंदुओं के साथ? नहीं, जंग तो नामुमकिन है। तो फिर क्या हल है? हल यही है कि कम्प्रोमाइज़ किया जाए। फिर कम्प्रोमाइज़ किया जाए तो फिर सुलह की तरफ चले जाए ना? जी बेहतर, पाकिस्तान या मुसलमान के लिए कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। सर अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर 35 करोड़ हिंदू मुसलमानों के साथ, वहां पर आप देखेंगे पाकिस्तान से ज़्यादा अमीर मुसलमान वहां पर हैं और पाकिस्तान से अच्छी सिचुएशन पर वो हैं, तो उसके बारे में क्या आपका नज़रिया? मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, सॉरी। इसके बारे में आप क्यों नहीं कुछ कह सकते? माजरत, थैंक यू। एक मिनट रुक जाए ना, एक मिनट रुक जाए। गाइस इनके पास कोई जवाब नहीं था, मैंने इनको कोशिश की बात करने की लेकिन इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि भाई मैं नहीं चाहता। फिर मेरे इसरार करने के बाद भी इन्होंने कहा कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो जाने चाहिए। तो गाइस आपका क्या राय है, पाकिस्तानी पब्लिक की राय लेने के बाद, पाकिस्तानी पब्लिक की राय सुनने के बाद आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम नाम आपका? बिनिश्तीन। क्या करती हैं आप? मैं आई एम फ्रॉम यूएस। माशाल्लाह वेरी नाइस, जबरदस्त हो गया। तो बेसिक बात करने का पर्पस ये है अभी के जो सिचुएशन चल रही है, जो मौजूदा सिनेरियोज हैं, एससीओ के समिट के रिलेटेड बात करना चाहूँगा आपसे। एससीओ के समिट के अंदर बहुत सारे मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग होती है, तो वर्चुअल मीटिंग हुई है पाकिस्तान की इंडिया की। हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कहा कि टेररिस्ट जो आते हैं वो पाकिस्तान से आते हैं, तो शहबाज शरीफ का जवाब ये है कि भाई हम तो भूख से लड़ रहे हैं, मुफलिसी से लड़ रहे हैं, हमने कहाँ पर टेररिज्म को करवाना है, फ़रोग देना। क्या समझते हैं शहबाज शरीफ के इस बयान से, आप एग्री करती हैं? हाँ, मैं एग्री कर रही हूँ इस बात से कि जाहिर है कि हम खुद भूख से लड़ रहे हैं तो टेररिज्म तो नहीं हो सकते ऑफकोर्स। और ये भी उनकी गलत बात है कि आपके जो नेबर्स होते हैं वहाँ से टेररिज्म शुरू हो रहा है, सरासर गलत बात है ऑफकोर्स। क्या लगता है कि आपको कि हम कहीं ना कहीं किसी तरीके से इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा सिनेरियोस को देखते हुए? हाँ, अभी तक तो लगता है नहीं। नहीं लगता? नहीं। क्या वजूहत है कि एक ही दिन में आज़ाद हुए हम, हमने पाकिस्तान लेने का डिसीजन लिया, और पाकिस्तान लेकर क्या हमने सही फैसला लिया इंडिया से अलग होकर? ये तो ऑफकोर्स सही फैसला है, ज़ाहिर है आपको एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन ऑफकोर्स ये पॉलिटिशियंस जो हैं, इट्स अ डर्टी पॉलिटिशियंस, मैं तो यही कह सकती हूँ, और ये पॉलिटिक्स ही है, पॉलिटिशियंस हैं जो आपको आपस में दोनों मुल्कों को इकट्ठा नहीं होने देते। लास्ट पे क्वेश्चन पूछूंगा, यूएसए में रहती हैं आप, यूएसए से आई हैं, तो यूएसए के अंदर कौन सी कौम की ज़्यादा रिस्पेक्ट देखी आपने, पाकिस्तानीज की या फिर इंडियंस की? इंडियंस की। व्हाई इंडियंस? सैडली अनफॉर्चुनेटली इंडियंस की रिस्पेक्ट क्यों देखी आप, क्या वो ईमानदार ज़्यादा? नहीं। फिर उनकी रिस्पेक्ट क्यों है? अब मैं इतना खुल के तो नहीं कह सकती। खुल के आपको बताना पड़ेगा, नो इशू, आप बता सकती हैं, कोई मसला नहीं। नहीं नहीं, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ओपन बात हो जाएगी। आप बेफिक्र होके बताएं, चलाना मैंने या मुझे इशू होगा, आपको कोई इशू नहीं होगा? नहीं, मुझे भी हो जाएगा। चले, बहुत शुक्रिया आपका। गैस ये बता नहीं पा रही खुल के, मैंने कह भी रहा हूँ कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप बताएं, रिस्पेक्ट देखें कि मेरी इसलिए होगी अगर मैं आपके साथ लॉयल रहूँगा, मैं आपसे कोई भी कमिट करता हूँ, मैं उस कमिटमेंट पर पूरा उतरता हूँ, तब मेरी रिस्पेक्ट होगी। अभी यूएसए जैसी कंट्री में जाकर पाकिस्तानी की रिस्पेक्ट नहीं है, तो उसके पीछे क्या वजह है? क्या क्या लॉयल नहीं है ऑफकोर्स, तो फिर पाकिस्तान लॉयल नहीं है मेरे ख्याल से।
क्या हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से भी एक तो रिस्पेक्ट होती है, क्या पॉलिटिशियन भी इसके जिम्मेदार? पॉलिटिशियन ऑफ कोर्स, आपके पॉलिटिशियन बहुत बड़ा फैक्टर है इस बात के लिए। एजुकेशन पे देखें तो कौन आगे, इंडिया पाकिस्तान? इंडिया, जिसमें इंडिया हाँ अलग हुए हम। उनके पॉलिटिशियंस जो हैं वो आपस में काफ़ी टुगेदर हैं। क्या मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का मईशत के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से? अभी तक तो मुश्किल लग रहा है। उन्होंने कितना स्ट्रॉन्ग कर लिया अपने, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होना चाहिए हर लिहाज से। वी आर मुस्लिम, तो मुझे लगता है कि आपको बेसिक ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर ज़रूर अमल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाजिडा अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? इफ्तिखार अहमद। क्या करते हो? मैं ड्राइवरी कर सॉरी ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं, ज़बरदस्त हो गया। पाकिस्तान के एक मौजूद शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर सवाल आपसे ये पूछना मैंने कि अभी रिसेंटली एक मीटिंग हो रही है जिसके अंदर पूरी दुनिया के जो वज़ीर आज़म हैं वो मिल बैठकर बातचीत करते हैं, तो उसके अंदर इंडिया पाकिस्तान की भी बातचीत हो रही है। नरेंद्र मोदी और हमारे शहबाज शरीफ के दरमियान में बातचीत हुई है। जो नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा है कि जो टेररिज्म होती है, जो दहशतगर्दी होती है, वो पाकिस्तान की तरफ से होती है। तो इधर से शहबाज शरीफ को जवाब क्या देना चाहिए था नरेंद्र मोदी को? मेरा ख्याल है जब भी होती है उनकी तरफ से ही होती है, इधर से तो कोई नहीं होती। इधर से कोई नहीं होती। हमारे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि भाई हमने दहशतगर्दी कहाँ करनी है, हमारे पास तो रोटी नहीं है खाने के लिए, हमारे आवाम के पास तो राशन नहीं है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो इस तरह के रोने पिटने लगे। क्या समझते हैं आपके, क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए कि मुल्क के जो हालात ख़राब हुए? सिचुएशन अब ऐसा ऐसा बेहतर होगी ना, यकदम तो नहीं होगी, क्योंकि पिछले अगर 5-6 साल से सिचुएशन नीचे नीचे जा रही है तो 2-4 माह में तो ऊपर नहीं आएगी, वो टाइम तो लगेगा उस पर। क्या समझते हैं आपके, अभी रिसेंटली ये जो सी मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के जरिए क्या हम मुल्क पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तालुकात वो बेहतर होने चाहिए? वो तो हो जाएंगे, वो नून लीग कर लेती होती। अच्छा, नून लीग पे आपका उतना भरोसा है कि कर लेगी? नून लीग कर लेती होती, वो पहले भी थे तो पहले भी ठीक था, अब अगर आ गई तो अब भी ठीक हो जाएगा। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने ये पैगाम दिया है पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तान तुम कश्मीर की तरफ आंख उठाकर देखोगे तो घर में घुस के मारेंगे। नहीं, वो कश्मीर तो ले ही लेंगे। सॉरी, मैं कहा कश्मीर तो ले लेंगे हम, उसका तो कोई मसला नहीं। हम कश्मीर ले लेंगे, वो तो ले लेंगे। तो अभी तक लिया क्यों नहीं है? 65 साल हो गए। नहीं, वो तो हमारी हुकूमत 75 साल हो गए, वो तो हमारी हुकूमत ही लगी हुई है ना। या तो हुकूमत गए ना कि साथ चले ले लेते हैं, तो आपको दिखाते हैं। आप जाएंगे साथ? जाहिर बात है वहाँ भी चलेगी ना, मैं या आप अकेले तो ना जाएंगे। आवाम ले आएगी? कौन सा काम आवाम नहीं कर सकते सर? 75 साल हो गए, फिर आवाम क्यों नहीं गई? नहीं, कोई कहेगा तो जाएगी ना कि आवाम अपने। अगर आवाम जाती भी है तो हमारे पास 22 करोड़ आवाम है, उनके पास 35 करोड़ तो खाली मुसलमान है इंडिया के पास। वो हमारे साथ ही है, हमारे साथ है। वो हमारे साथ। वो तो कहते हैं कि हमारे लिए मजहब हर चीज से पहले, मुल्क पहले है, इंडिया के मुसलमान कहते हैं। मैं जो आप भी देखा होगा, मैंने भी देखा, जो कश्मीर में हो रहा है वो सारे उसके लिए जाने को तैयार है। कश्मीर के अंदर इस टाइम जो बजट पेश किया वो 14 बिलियन डॉलर्स का है, पाकिस्तान अभी 3 बिलियन डॉलर के लिए बिछ गया IMF के आगे। नहीं, वो तो हुकूमत जाने, उनका काम जाने, उसका हमें तो नहीं ना पता। सर आप बताइएगा कि दुनिया में जंग किसकी है, एटम बम की जंग है या फिर मईशत की जंग है? ये तो अब उसका कुछ नहीं कह सकते। मईशत अगर मजबूत होगी आपकी, आपके पास खाने के लिए पैसे होंगे, आपके बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते होंगे, आपको रोटी के लिए दर पदर धक्के ना खाने पड़ेंगे, आपको आटा सस्ता चीनी सस्ती मिलेगी, आप जंग करेंगे? नहीं, असल में जो इस टाइम हालात चल रहे हैं ना, वो तो आप सोचे ही ना कि हम जंग कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है। ठीक है, आपका अगर किसी को कहें ना कि किसी के लिए आप एक दिन खड़े हो जाओ तो किसी ने भी नहीं होना। उसकी वजह है कि घर में खाना पूरा नहीं हो रहा, खड़े किसने होना? सही बात है। इसलिए जब तक चीज़ें नीचे नहीं आएंगी ये मुल्क इसी तरह ही चल रहा है। आपको पता है इंडिया की मईशत, आपको इतने पढ़े लिखे नहीं है लेकिन मैं बताऊं, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। दुनिया में 202 मुल्क हैं, 202 मुल्क में 5वीं बड़ी मईशत है। अगर बात करेंगे फॉरेन रिजर्व की जिससे दुनिया चलती है, सर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज़ बताऊँ कि इंडिया हमसे 1000 साल आगे चला गया है।